बहुत कंप्लेन आ रहा है उनको, अब पढ़ता लिखता नहीं। मम्मी जी इसकी बोल रहे थे, वो खाली मोबाइल लेकर बैठा रहता है, गेम खेलता है जी। क्या करता है जी मोबाइल लेकर जी? कैमरा डाउन करो, मैं वीडियो ऑन करे कहते, वो तो सेलिंग का दिखाते हो जी। देखो वो आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, एसिड बेस साल्ट चैप्टर पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे। ठीक सर, बात तो समझ में आती है सुन ना। ठीक बोला, तो एसिड बेस साल्ट में बाबू आपको एसिड क्या होता है बता चुके हैं, बेस क्या होता है बता चुके हैं, एसिड का प्रॉपर्टीज भी बता चुके हैं, बेस का प्रॉपर्टीज भी बता चुके हैं। अब आपको क्या पढ़ा रहे? साल्ट पढ़ा रहे। साल्ट मतलब नमक, लवण है ना। तो साल्ट किसको कहोगे सर? तो आप कल डिफाइन किए थे बाबू, आपका बाबू जो एसिड बेस रिएक्शन करता है भोला, तो एसिड बेस रिएक्शन करके जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। ठीक, तो साल्ट भोला बाबू आपको नॉर्मल साल्ट हो सकता है, एसिडिक साल्ट हो सकता है, बेसिक साल्ट हो सकता है, यही सब साल्ट होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे सर कि साल्ट एसिडिक है कि बेसिक है? तो पहचानने का तरीका आपको बता रहे, ये सब बाबू राम कथा लिखा हुआ है ना, ये सब कम आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ से बाबू आपको क्वेश्चन आएगा, कॉमर्स में आएगा, तो कहेगा कौन सा साल्ट है, एसिडिक साल्ट है कि बेसिक साल्ट है, कैसे पहचानोगे है ना। तो देखो भोला दो तरीका होता है, एगो ई बाबू है ना, जो बाबू ऊपरे ऊपरे पार हो गया सर है ना। तो अगर बाबू एसिड बेस का भोला कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा, मतलब एसिड भी पूरे अच्छे तरह से टूट रहा है, बेस भी अच्छे तरह से टूट रहा, तो एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा ना, तो वहां पे जो साल्ट बनेगा नॉर्मल साल्ट बनेगा। अब मान लो बाबू एसिड है भोला, एसिड का पार्शियल डिसोसिएशन हुआ, जैसे H2SO4 है तो दो गो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से एक के गो हाइड्रोजन टूटा, यहाँ से क्या टूटा भोला? दो हाइड्रोजन है जी, तो यहाँ से एक के गो हाइड्रोजन टूटा, तो HSO4 रह गया। यही ना HSO4 भोला रह के यहाँ पे सोडियम के साथ आया है ना, और यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से एगो हाइड्रोजन हट गया सर, यहाँ से OH हट गया है ना, तो OH हटेगा तो बाबू यहाँ आएगा, तो HOH मिलके क्या बनेगा? पानी बनेगा HOH मिलके। तो यहाँ एक को ना हाइड्रोजन हटा सल्फ्यूरिक एसिड से है ना, एगो तो हाइड्रोजन रह गया, तो ये मेरा एसिड बेस रिएक्शन किया तो क्या बना? साल्ट बना। लेकिन बाबू एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, तो जब कंप्लीट नहीं टूटा भोला, तो ये जो साल्ट बनेगा एसिड रहिए गया ना एगो जी, एगो एच प्लस आयन, तो ऐसे साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एसिडिक साल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिक साल्ट कहेंगे। आगे बताते कैसे आसानी से पहचानोगे है ना, ये आपका बाबू स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया कि नहीं? शांत नैनो से तनान करो, एक गुणगुणान करो। अगर बाबू एसिडिक साल्ट में क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा, साल्ट बनेगा लेकिन उसमें किसका बिहेवियर डोमिनेंट होगा? एसिड का। तो एसिड का अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, पार्शियल टूट रहा है, न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड बेस का तो नॉर्मल बनेगा। अगर एसिड का भोला कंप्लीट नहीं टूट रहा, कैसा टूट रहा? पार्शियल टूट रहा, तो उसके बाद जो साल्ट बनेगा ना उसको एसिडिक साल्ट कहेंगे। नहीं अच्छे से समझ में आया? अच्छा ठीक है, भावना समझ रहे हैं। तो यही बाबू आपको डिफिनेशन लिखा हुआ बता रहे हैं, कैसे अच्छे से समझ में आ गया थोड़ा समझाते हैं। भेन ए पॉलिक बेसिक एसिड, आपको बाबू टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ाए थे, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड बताए थे ना, किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो वही है भोला था, भेन पॉलिक बेसिक एसिड बाबू इज कम्प्लीट, इज नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज। जैसे यहाँ दो हाइड्रोजन था ना भोला H2SO4 में, तो दोनों हाइड्रोजन हट जाता ना सल्फेट से, तो कहते सर मेरा नॉर्मल साल्ट बना, लेकिन एक ही हाइड्रोजन हट पाया, तो ऐसे साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे भोला? आपका जो साल्ट बनेगा ऐसे को एसिडिक साल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे है ना। हाँ सर, एक गुनगुनान करो जी, ए शांत बाबू, एस अनुशेतान करो। ठीक ठीक बोला है ना। ठीक सर, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा कोई टेंशन नहीं। जैसे H3PO4 है NaOH, तो यहाँ से देखो दो H3PO4 में भोला, यहाँ से जो यहाँ बना बाबू H3PO4 है, ये यहाँ से कंबाइन होकर HPO4 बनाया। अरे NaOH बाबू सोडियम का मेटल हटाएगा ना जी, तो यहाँ से बाबू HPO4 बना, तो यहाँ से दुइये को ना हाइड्रोजन हटा जी, H3 में से दो हाइड्रोजन हटा दोगे तो HPO4 बनेगा, तो टोटल तीनों के तीनों हाइड्रोजन नहीं ना हटा, तो ये क्या हो गया? पार्शियल डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? पार्शियल टूट गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिडिक साल्ट। साल्ट तो बना
एसिड बेस पर रिएक्शन करके साल्ट बना है लेकिन पूरी तरह से नहीं बना है ना, तो इसको क्या कहोगे, पार्शियल कहोगे, ठीक से है ना। तो ये पार्शियल डिसोसिएशन हो गया, तो ऐसे साल्ट को एसिड बोल रहा गया तो क्या कहेंगे, थर्ड एसिडिक साल्ट कहेंगे। उसी तरह से बाबू ये ध्यान देना, एसिडिक साल्ट होता भोला एसिड बाबू, शुड नॉट बी बाबू मोनोबेसिक एसिड है ना। एसिड आपका मोनोबेसिक एसिड नहीं होना चाहिए। मोनोबेसिक एसिड कैसे सर, जिसमें एक के वो एच प्लस आयन, जैसे एस सी एल, तो एस सी एल मेरा एसिड है सर, तो ये मोनो ना है बाबू, यहाँ से एक के वो एच प्लस आयन हटेगा ना, तो एक के वो अगर एच प्लस आयन बहु तो वो बाबू आपका क्या होगा, एसिडिक साल्ट नहीं होगा। कैसे सर, अरे मेरे लाल एस सी एल एन ओ एच के रिएक्शन करवाओगे, तो एगो तो हाइड्रोजन हट ही जाएगा, एगो हाइड्रोजन एन एच के साथ बाबू क्या होगा, बाबू एन ए क्या करेगा, एन ए एगो हाइड्रोजन को हटाएगा तो एन ए सी एल बन जाएगा, एन ए के साथ क्लोरीन ज्वाइन हो जाएगा, प्लस एच टू ओ हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ एच सी एल में एगो हाइड्रोजन था सर, वो हट ये गया, तो ये जो साल्ट बन गया ये आपका कौन सा साल्ट हो जाएगा, नॉर्मल साल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एसिड का कंप्लीट एगो था एगो हट ये गया, तो जब भी एगो हाइड्रोजन रहेगा बहुत तो डेफिनेटली क्या होगा, हट जाएगा है ना, तो यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो ऐसे साल्ट को क्या कहोगे, ऐसे साल्ट को हम लोग कहेंगे है ना नॉर्मल साल्ट है ना, जितना जिसमें एसिडिक ना बेसिक है ना, ठीक। तो वही होता है भोला, नेक्स्ट बेसिक साल्ट किसको कहेंगे बाबू, अगर बेस का भोला, बेस मतलब क्या सर, ओ एच माइनस आयन, तो ओ एच माइनस आयन का बाबू है ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा, कैसे हो रहा, पार्शियल हो रहा, तो वैसे बाबू वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहोगे, उससे जो साल्ट बनेगा उसको बेसिक कहेंगे है ना। जैसे बाबू पीबीएच लेड हाइड्रोक्साइड है, तो लेड हाइड्रोक्साइड है बोला तो दो गो ना वो एच है जी, इसको एससीएल के साथ करवाओ, तो यहाँ दो गो एच है, तो यहाँ से बोला देखो बाबू दो गो ओ एच है लेकिन एगो ओ एच रह गया ना, हाइड्रोक्साइड एगो रह गया, तो यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन किया, एससीएल के साथ रिएक्शन किया लेकिन एगो ओ एच रह गया ना, तो ये क्या होगा आपका, पार्शियल होगा, पार्शियल डिसोसिएशन हो गया। तो ये जो साल्ट बनेगा आपका कैसा बनेगा, बेस रह गया तो बेसिक साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, ठीक। नेक्स्ट भोला होता है डबल साल्ट, डबल साल्ट में बाबू क्या, जिसमें बाबू दो गो कटायन चाहे दो गो एनायन, जैसे एनएससीएल, शांति से समझना, तो एनएससीएल में क्या होगा, इसको आयन में ब्रेक करोगे भोला, तो एन ए प्लस और सी एल माइनस, एक वो कटायन एनायन है ना, तो ऐसे साल्ट को क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे। डबल साल्ट किसको कहोगे, ये सब बोला जैसे सीओसीओ3 है, तो सीओसीओ3 में कैल्शियम कार्बोनेट माइनस वाला, यहाँ मैग्नीशियम प्लस कार्बोनेट माइनस, तो यहाँ पे दो गो कटायन एनायन है, तो वही लिखल बाबू भैया डबल साल्ट हो दिया बाबू, टू डिफरेंट इनिगेटिव या पॉजिटिव आयन है ना, जहाँ पे बाबू दो अलग अलग भोला है ना पॉजिटिव या निगेटिव आयन रहा है। कैसे सर, अरे देखो ना जी, इसको डोलामाइट कहते हैं, आगे आप लोग को यूज होगा 11 में जाके। जैसे ये मेरा साल्ट है, क्या है सर, साल्ट है, कौन सा सर, ये वाला CaCO3 और MgCO3, क्या कहना चाह रहे, कुछ नहीं कहना चाह रहे, CaCO3 पत्थर MgCO3, ठीक। तो यहाँ पे देखो दो, इसको तोड़ेगा भोला तो कैल्शियम पे 2+, कार्बोनेट पे 2-, मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है तो 2+, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होता है तो 2-, यहाँ बाबू एक से ज्यादा कटायन आ रहा है ना, एनायन भी बाबू एक से ज्यादा आ रहा है, तो जिसमें भोला बाबू नहीं, डबल साल्ट दे रहा बाबू, दो वो डिफरेंट कटायन एनायन होंगे, तो वैसे साल्ट को क्या कहेंगे, डबल साल्ट, अरे ये भी वो साल्ट है, वो साल्ट है, दो हो गया तो इसको क्या कहोगे, डबल साल्ट कहोगे, और क्या, इसमें थोड़ी कुछ नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है ना। तो ये आपका मोहर साल्ट हो गया। उसी तरह से FeSO4 NH4 6H2, इसमें भी दो गो साल्ट है तो इसको क्या कहोगे, डबल साल्ट कहोगे, क्या कहोगे, डबल साल्ट कहोगे। एक होता बाबू पोटास एलम होता है, क्या होता भोला, पोटास एलम, फिटकिरी जिसको कहते हैं, क्या फॉर्मूला था फिटकिरी का, कॉमर्स का आपका आ सकता बाबू अथर भोला, क्या होता बाबू बताओ जी, फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता जी, नहीं पता सर, नहीं पता, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जानते हो गुनगुन, फिटकिरी भोला जिसको पोटास एलम कहते हैं, फिटकिरी बाबू नहीं जानते हो जी, नहीं देखा गुनगुन फिटकिरी भोला, तब बोली फॉर्मूला पता है सर, क्या होता, तो चलो फॉर्मूला क्या है, हाँ तो याद रखिएगा, Al2SO4 के होल 3 और 24 वो H2O होता है, क्या होता है भोला, 24 वो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो
तो ये जो फॉर्मूला भोला इसको आप लोग याद रखना इस साथ है। मैं से वीडियो ऑन करो जी, मैंक बाबू ऑन करो जी, ध्यान से तानी सब वीडियो बंद करके बाबू खाली सुतल रहता। मैंक सबसे ढीठ है भोला। देखो जी, तो ये जो फॉर्मूला बाबू अथर भोला K2SO4 N2SO4 के होल 3 24H2, ये आपका पोटास एलम है। इसी को हिंदी में फिटकीरी कहते, फिटकीरी बाबू है ना, आप लोग देखे हो भोला है ना उसको बाबू, हम लोग वाटर को बाबू प्यूरिफाई वगैरह करने में यूज वगैरह करते हैं फिटकीरी को। तो इसका नाम क्या है, पोटास एलम। एलम मीन्स क्या होता है, फिटकीरी होता है। एलम मीन्स क्या होता है, फिटकीरी होता है ना। तो दो गो साल्ट है सर, अरे K2SO4 भी एगो साल्ट है, L2SO4 भी साल्ट है, तो दो गो साल्ट हो गया ना, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, डबल साल्ट कहोगे। ठीक आए सर, हमको उतना मन से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ऐसे साल्ट का, किसको साल्ट कहेंगे। तो चलो देखो बोला, हम लोग कैसे पहचानेंगे बाबू कि कौन सा एसिड साल्ट है कौन सा बेसिक साल्ट है, रिएक्शन थोड़ी पता चलेगा। हाँ सर, तो नेक्स्ट बोले हमरा कैसे पता चलेगा, तो ये नए भी समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साल्ट जो होती नमक को हम लोग कैसे पहचाने कि किस देश का नमक है ना, एसिडिक साल्ट है सर कि बेसिक साल्ट है सर कि न्यूट्रल साल्ट है या नॉर्मल साल्ट है, कैसे पता चलेगा है ना। तो देखो भोला, लिखो इसको, लिखो समझाते हैं। मान लो एसिड है और बेस है, रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, इतना तो बात समझ में आता है ना। हाँ सर, तो बाबू एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बनता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, गुनगुन एसिड कैसा स्ट्रॉन्ग है, बेस भी कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बाबू स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों अगर मजबूत मजबूत है तो जो साल्ट बनेगा वो आपका नॉर्मल साल्ट होगा। ठीक ठीक सर, ये तो बात समझ में आता है, एसिड बेस मिलेगा सर, गठबंधन करेगा साल्ट बनाएगा, लेकिन दोनों अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल साल्ट होगा, या दोनों वीक वीक है, ये भी वीक एसिड है भोली, एक हो गया दो हो गया कि नहीं बाबू अथर्व, ये समझना, ये भी वीक एसिड है, दोनों कमजोर कमजोर है बाबू, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकता है सर, दोनों कमजोर हो सकता है। हाँ बाबू, वीक बेस है बोला, तो ये भी जो साल्ट बनेगा नॉर्मल साल्ट बनेगा सर, ये तो बात समझ में आ जाता है। हाँ भोला आए सर, दोनों स्ट्रांग हो गया दोनों वीक हो गया, एगो स्ट्रांग एगो वीक हो जाए तो यहीं पे समझना है। मान लो एसिड आपका क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए गुनगुन, स्ट्रांग एसिड हो जाए, नहीं हो सकता है। अब बेस क्या हो सकता है, वीक हो जाए कि नहीं, नहीं हो सकता है, कहा नहीं हो सकता है, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक, बेस वीक का वीक हो जाए, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके तो साल्ट बनेगा, लेकिन बाबू जो शक्तिशाली रहेगा उसी का डोमिनेंट होगा। अरे बाबू आपके घर में बाबू मान लो चाचा जी भी हैं, आ बाबू है ना, दो गो चाचा, तो वही ना बाबू घर का, बाबू घर का मुखिया बनेंगे, उनका बात ज्यादा माना जाएगा, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं उनका बात ज्यादा मानता जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अब वीक बेस है बोला, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो साल्ट तो बनेगा सर, लेकिन साल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा, एसिड जैसा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है बोला तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट बनेगा, क्या बनेगा एसिडिक साल्ट बनेगा। बात समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है ज्योति। नेक्स्ट समय संजन आए सर, वीक एसिड राजा, यही ना, दो गो में चार गो केस हो सकता है जी, दोनों स्ट्रांग दोनों वीक, नॉर्मल जो स्ट्रांग होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, क्या हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए है ना, तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक साल्ट, एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक साल्ट है ना, दोनों दोनों ठीक ठाक तो साल्ट नॉर्मल। देखो सर आए सर, तब हमारा पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड करने है स्ट्रॉन्ग बेस करने है, लिखो समझाते हैं। लिखो लिखो जल्दी लिखो,
अब एरा लिए हमको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए हर्षित, और बाबू वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वीक बेस चाहिए। ए मयंक काहे से होता भोला, मयंक बाबू लिख रहे ज्योति, पढ़ाई लिखाई चल रहा है ज्योति कि नहीं जी? चल रहा सर। चल रहा था। पापा जी कैसे रो रहे थे जी, कल ये ना बात किया था जी, उनको बोलने का काम है। क्या बाबू उनको बोलने का काम है ना जी, आए आपको एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना। जल्दी लिखो जी, लिख लिया अनुज? हाँ सर, हो गया। वेरी गुड। आए सर की सर, तो एसिडिक साल्ट पहचान लेगा, पहचान लेगा ना सर। सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नॉर्मल, दोनों बीक बीक नॉर्मल, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो डोमिनेंट साल्ट में किसका रहे, एसिड का, बी का अगर बाबू है ना बाबू, अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो किसका नेचर डोमिनेंट होगा, बेसिक का नेचर साल्ट रहेगा, लेकिन कैसा नेचर रहेगा, बेसिक मतलब बाबू उसमें बेस वाला प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, बेस का प्रॉपर्टी तो पढ़ेबे किया ना। आंसर तो अब हम पहचानेंगे कैसे, तब बाबू आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा बीक एसिड है, तो गिनल चुनल एग्जाम्पल है ना बाबू, दो तो चार गो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बीक एसिड, बीक बेस का नाम लिखाते फिर बाबू आपको आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, है ना, ये दो चार को नाम याद रखना है कि नहीं भोला? हाँ सर। तो बाबू बीक एसिड में कौन कौन सा होता है सर, बीक एसिड में बाबू कौन कौन होता है भोला मेरा? देखो भोला आपको बाबू पता चलेगा था ना सर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बीक बेस है, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है बीक बेस याद रखोगे तुम ना जी, तो जो बीक एसिड है भोला अथर, बीक एसिड लिखो जी, जैसे भोला आपका कौन है बीक एसिड बाबू, CH3COOH, इसका नाम क्या होता है, एस्टिक एसिड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे आएगा कैरेक्टर में कार्बन कंपाउंड में, इसको क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड कहते हैं, ये क्या है सर बीक एसिड है ना बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट भोला HCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है, याद ही सब रखना, ये क्या है फॉर्मिक एसिड है ना भोला। हाँ सर। H3PO4 भोला फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 कि नहीं बाबू रौनक? हाँ सर। लिख रहा है रौनक? ए भोला रौनक कुछ कर रहा है जी रौनक, इसे तरह कल कुछ क्या कर रहा था रौनक, लिख रहे हो? नेक्स्ट बोला दो चार को का आपको नाम याद रखना, बोला नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा, तो ये बी कैसे डाल एक दो को लिख लो बोला, इससे रिलेटेड भी। हाँ नेक्स्ट बोला H2SO3, ए प्रधान बोला ऑन करो बाबू, प्रधान ऑन कीजिए, चलो हाथ नहीं दिखाना बाबू, हाथ क्या दिखा रहे हो जी, H2SO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO3 है सल्फ्यूरस एसिड इसको कहते हैं, सल्फ्यूरस कहते हैं, क्या कहेंगे, सल्फ्यूरस एसिड है ना सर। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू तो दो चार को याद रखना, ये आपको आज से बाबू 11-12 तक काम देगा। सर यानी सल्फर का लोअर वैलेंसी वाला ऐसा? हाँ भोला कुछ कुछ कह सकते भोला, जैसे C6H5 ये बेंजीन होता है, भले टी शर्ट में बाबू बेंजीन छपा लेता, C6H6 को बेंजीन कहते हैं, वो हाइड्रोजन हटेगा, बताएंगे आपको
COOH हो गया, इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। सारा ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कि नहीं था, डरना नहीं है बोला। H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये शायद होता, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये सब क्या है सर, बीक एसिड है, क्या है, बीक एसिड है। आई नो, बहुत उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड बाबू, तो कौन कौन होगा, दो चार को तो नाम बता सकते। बोला पहले सबसे बड़ा बाबू, सबसे बड़ा शैतान HCl, H2SO4, ये सब कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको क्या कहोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहोगे, इसको क्या कहोगे, सल्फ्यूरिक एसिड कहोगे, है ना। हाँ सर, HNO3 बोला, नाइट्रिक एसिड इसको कहोगे, क्या कहोगे, नाइट्रिक एसिड। अरे बाबू क्या लिखा रहे हैं सर, बोरिंग लग रहा। भोला आपको एसाल्ट पहचानना कि कौन एसिडिक साल्ट है कि बेसिक साल्ट है, तो पहले एसिड देख के पहचाने का था ना कि ए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि बीक बेस है। सर यही है बोला, एक ज्यादा लिख सकते हो, HClO4 लिख सकते हो, HClO4 लिख सकते हो, पर क्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। और भी है बोला, कितना थकोगे। नेक्स्ट बोला बीक बेस बाबू, बीक बेस का तो एग्जाम्पल आपको लिखाए थे बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस बोला, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिख लो। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा सर, NaOH, सबसे बड़ा शैतान NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखो सर, लिख रहा हूँ। हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोली जी होती। नेक्स्ट बाबू KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या, पोटेशियम है बोला। जनरली बाबू पीरियोडिक टेबल 1 का 2 का बाबू है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो बेस होते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेरियम वगैरह का लगता है छोड़ के शायद, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर बोला CaOH को होल टू, ये सब क्या सर, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बोला, RBOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो बोला, CaOH को होल्ड टू कितना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। आगे समझाते हैं, खाना खा रही थी सौम्या, नहीं सर क्लास में। आदित्य का भोला, चलो मयंक, अदिति बोला, ए मयंक जी, अदिति बाबू, ए इधर ही मयंक है। इधर ही है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो। तो ये आपको बाबू एसिड बेस बाबू है ना, साल्ट पहचानने ला आ जाना चाहिए, है ना। कैसे पहचानेंगे सर, सिखा रहे हैं बोला। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएच पढ़ेंगे, पीएच बोला पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बोला पीएच पढ़ना आप लोग को, पीएच क्या होता है सर, है ना, उसका डेली लाइफ में क्या यूज है सर, वीक बेस में क्या क्या होगा बोला, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाबू, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। वीक बेस में क्या होगा सर, वीक बेस में गुनगुन, और
बीक बेस क्या है सर? बीक बेस बोला आपको लिखा है तो वो बीक बेस में अल्मोनियम का हाइड्रोक्साइड। एक मिनट बाबू, कहाँ गया? फंक्शन कीजिए। शैतान मोबाइल स्विच ऑफ हो गया बाबा। जया जया एक्स्ट्रा क्लासेस आई लिए। लिखे बाबू जल्दी से। डाटा केबल लिखा लिखो बोला, अभी फोटो खींच के भेज रहा है व्हाट्सएप ग्रुप से, लिखिएगा तुरंत बोला। एक मिनट लिखे बाबू। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH के होल 3 सुनाई दे रहा थर। थर हाँ बोला सर, हाँ हाँ सर। लिखो बाबू। अरे मोबाइल बाबू, ये एक्स्ट्रा क्लास होता है बाबू है ना, तो स्विच ऑफ हो गया। चार लिखो AlOH के होल 3 बीक बेस में बाबू मेरे AlOH के होल 3 इसको क्या कहोगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहोगे। एलुमिनियम ऑन कर रहे हैं, लिखो ना 2 मिनट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक सर। नेक्स्ट बोला जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH के होल 2, ये सब बीक बेस में है। जिंक हाइड्रोक्साइड लिखो जल्दी गुनगुन। नेक्स्ट बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सर कैमरा ऑफ है। कैमरा बाबू मोबाइल स्विच ऑफ को ले बोला, अभी ऑन कर रहे। एक्स्ट्रा क्लास होता है ना बाबू, तो इसीलिए बाबू चार्ज करके ध्यान रहता नहीं है शैतान, तो उधर आधा घंटा होगा तो आधा घंटा इधर पहले बंद हो जाता। ऑन कर रहे हैं, लिखो ना आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है ना। ठीक सर। फेरस और फेरिक FeOH के होल 2, ये हो गया आपका फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक होता है। फेरिक है FeOH के होल 2 फेरिक हाइड्रोक्साइड। लिखो इतना ऑन अभी कर रहे हैं। 1 मिनट बाबा, 1% हुआ है। बोला एसिड बेस रिएक्शन करता बाबू तो साल्ट बनता वाटर बनता। शांति सब सुनना, 5 मिनट ज्यादा नहीं, 5 मिनट। एसिड बेस रिएक्शन करते हैं सर तो साल्ट बनते हैं प्लस क्या बनते हैं? पानी बनते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है? NaCl आपका कैसा एसिड है? बसाल्ट है सर। एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाए NaCl, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है, तो H को कैसे लिखेगा? HOH के टर्म में लिखेगा। अरे H2O होता है वाटर के बाबू, तो H+ होता है और OH- आयन होता, यही ना होता है जी दूगो एनायन बाबू। अब करना क्या है? Na के साथ OH जोड़ दो। अरे H2O को कैसे लिखोगे? HOH में लिखोगे ना जी, शांति से समझना। H2O को कैसे लिखोगे सर? HOH के टर्म में लिखेंगे। पानी हर एक वाला में ऐसी पानी लिखना है। ठीक, अब क्या करना? Na के साथ OH जोड़ना है और ये H के साथ किसको? Cl को। Cl के साथ H को जोड़ देना। मतलब क्या सर? शांति से शांति से शांति से शांति से, बस बस हो गया। कोई भी साल्ट आपको पहचानने का तरीका क्या बोला? उसमें पानी डालो, तो पानी कैसे डालोगे? H2O होता है तो HOH लिखना। तो सोडियम के साथ OH जोड़ो, N के साथ OH, मेरा क्या बनेगा? इसमें N के साथ OH जोड़ेगा भोला, तो ये क्या है सर? बेस है। एगो इसके साथ जोड़ो ना जी, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या है आपका? बेस है ना। ठीक सर, कांति सुन लिखना नहीं है। फिर H के साथ Cl जोड़ना,
तो HCl है क्या? HCl है। अब समझो ये बेस है, कैसा बेस है? अस्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? अस्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, ये एसिड है, कैसा एसिड है? अस्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? अस्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अस्ट्रॉन्ग एसिड अस्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो साल्ट बनेगा भोला, ये कौन सा साल्ट बनेगा? नॉर्मल साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल साल्ट बनेगा, है ना? हाँ सर, नहीं समझ में आया, देखो बउआ था शैतान, नहीं कैसे समझ में आएगा जी? जैसे क्या सर, शांति से समझो। जैसे बाबू AlCl3 है ना, एल्युमिनियम बाबू क्लोराइड है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होता है, इसीलिए इसका वैलेंसी यहाँ आया हुआ है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। अब इसको मैं क्या डालो, मैं पानी डालो, तो क्या लिखना है? एच के अल्मोनियम के नीचे एच लिखना और इसके नीचे ओ एच लिखना। अल्मोनियम को इसके साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दो, यही जोड़ना। अब जोड़ोगे कैसे? तो एल ओ एच जोड़ोगे, अरे एल ओ एच जोड़ोगे। अब यहाँ पे वैलेंसी थोड़ा सा ध्यान रखना, एल ओ एच जोड़ो बहुत, अल्मोनियम की वैलेंसी 3 होता है ना, तो एल ओ एच के होल 3 करना। अरे शैतान, अल्मोनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, एलओएच के होल 3। यहाँ HCl है, एच और सीएल जोड़ोगे ठीक, तो HCl बनेगा। अरे HCl 3 वो क्लोरीन है, तो HCl के एगो HCl बनेगा ना जी, बाकी 3 है तो आगे 3 लिख भी सकते हो, नहीं माने नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एलओएच कैसा बाबू? बेस है, लेकिन एलओएच का होल 3 बेस है, लेकिन कौन वाला बेस है? कौन वाला बेस है सोचो, अभी लिखा है एलओएच के होल 3 बीक बेस है। क्या है? बीक बेस है। बेस तो है सर, लेकिन कौन सा बेस है? बीक बेस है गुनगुन, बात समझ में आता है ना? हाँ सर। HCl, HCl कैसा एसिड? अस्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग कैसा? अस्ट्रॉन्ग, है ना? तो एसिड बेस मिलेगा सर तो साल्ट बनाएगा, लेकिन किसका डोमिनेंट होगा? जो बड़ियार रहेगा उसके डोमिनेंट होगा, आपके घर में बाबू जिसके पास ज्यादा पैसा उनका बात ज्यादा माना जाएगा, है ना, जिसके पास कम पैसा नहीं बात माना जाता। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस है भोला, साल्ट तो बनेगा, ये तो साल्ट है सर, लेकिन बेसवा स्ट्रॉन्ग वाला है ना, है ना? तो ये बेसवा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिक साल्ट है। कैसा है भोला? बेसिक साल्ट है। कैसा है? बेसिक साल्ट है ना? हाँ सर, आसान है तो था सर, हमको कंफ्यूजन में कह लेते, लिख है ना? ठीक बोला। ए गुनगुन, आता समझ में? गुनगुन ये हर्ष, इतना ही आता भोला? आता है समझ NH4Cl 3 नंबर बाबू सौम्या सैताना बाबू संजना, 3 नंबर NH4Cl, सोचो है ना कौन साल्ट होगा ये, है ना, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? MgSO4 ये भी साल्टे है, कैसा होगा, है ना? CaCl2 कैसा होगा, सोचो समझो, दो तीन गो है बोला। देखो जी, हाँ सर हाँ कन्हैया एसिडिक साल्ट ना। जी, एसडी जी, तीन दूसरा नंबर 4 नंबर 5 नंबर, दूसरा में सर अरे हाँ शैतान, हाँ बाबू सॉरी भोला, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना भोला सर, यहाँ गलत हो गया जी, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो साल्ट आपका बनेगा थर्ब शैतान, बेसवा तो बीक है, एसिडवा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ध्यान में क्या रह गया था? ये आपका एसिडिक साल्ट बनेगा, यही समझ में आता है गुनगुन, एसिडवा स्ट्रॉन्ग है ना जी, तो एसिडिक साल्ट होगा। देखो जी शैतान खाली सब सुर में सुर मिलाती है। कहाँ गप कर रहा हर्षित? नीचे दो तीन को है बोला, जल्दी से बनाइए, सोल्व कीजिए। हाँ इसके बाद अब हम लोग पीएच पढ़ेंगे, थोड़ा सा और दो तीन दिन का मेहमान बच रहा है, पीएच बता देंगे कल बोला, कि आपका साल्ट का राम राम हो गया काम, इसका राम राम काम हो गया, ठीक है ना? साल्ट में इतने वो पहचाने उचाने के लिए। अब इसके बाद पीएच बताएंगे भोला, फिर आपका चैप्टर खत्म होगा, तो ट्रायंगल वगैरह मैथ वगैरह का वो शुरू कर देंगे आप लोग का।
बाय सर। ठीक है, जाओ जी, जी लो जिंदगी, थैंक यू जी लो सेबास्टियन। बोला। हाँ जी लीजिए बाबू, 2-3 को बना के भेजना है जी।